फर्स्ट प्रो 3x3 मैन विमेंस बास्केटबॉल टूर्नामेंट खेला जा रहा है फिफ्थ जनरेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एसए गार्डन सी के दरमियान नेक्स्ट मैच खेला जा रहा है होप फॉर लाइट एंड एसएजीसी का ये मैच खेला जाएगा। अभी दोनों टीम्स में नुमाइंदगी कर रहे हैं। प्री क्वार्टर का ये मैच है और एसएजीसी से रोमिस तारिक हसीब और वसी जो है वो खेल रहे हैं। एसए गार्डन सी एसए गार्डन की कल बेहतरीन परफॉर्मेंसेज रही हैं उनकी ए टीम की भी बी टीम की भी और सी टीम की भी। लेट्स सी आज एसए गार्डन सी भी डॉन बॉस्को की तरह रिलैक्स खेलती है या प्रॉपर होमवर्क करके आएगी अपने अगेंस्ट टीम होप फॉर लाइट के अगेंस्ट। और होप फॉर लाइट जो है वो उसमें अफवाक खेल रहे हैं, नेहमिया खेल रहे हैं, जॉर्डन खेल रहे हैं और सब्स्टिट्यूट प्लेयर जिशान खेल रहे हैं। ये प्री क्वार्टर का मैच है। जो भी टीम इसमें हारेगी इस टूर्नामेंट से फर्स्ट प्रो 3x3 मैन वुमेन्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी और बहुत ज़रूरी है इस टूर्नामेंट को जीतना ताकि आप नेक्स्ट आने वाली जो हमारी कंपटीशंस हैं और जो इवेंट्स हैं उनमें हिस्सा ले सकें और अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर सकें। ये रोमिस आप देख रहे हैं 11 नंबर की किट पहने हुए CAGC। यहाँ पर क्या लगता है आपको एसए गार्डन सी और होप फॉर लाइट के दरमियान ये मैच? कल एसए गार्डन सी से रोमिस ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी थी और ऑलमोस्ट सारा ही स्कोर उनकी तरफ से था, तो आई होप अगर आज भी ये ओवर कॉन्फिडेंट हुए बगैर अगर आज खेलते हैं तो ये गेम एसए गार्डन के हाथ में होगा। आज के फेवरेट्स एसए गार्डन सी हैं जी, बट दे हैव टू प्ले लाइक नॉट लाइक डॉन बॉस्को इंग्लिश। यहाँ पर मैच का आगाज हो चुका है एसए गार्डन सी वर्सेस होप फॉर लाइट। पहले ही कुछ सेकंड में फाउल होता है, रेड में है एसए गार्डन सी जबकि ब्लैक एंड व्हाइट में जी होप फॉर लाइट। गुड पास एंड अ शॉट, अमेजिंग शॉट बाय रोमिस। रोमिस हमारे बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं बास्केटबॉल के, बहुत नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं और ज़बरदस्त खेलते हैं बास्केटबॉल। एंड गुड रीबाउंड बाय एसए गार्डन एंड अ शॉट। शुरू के ही पहले ही मिनट में एसए गार्डन ने अपनी गेम दोबारा से दिखाना स्टार्ट कर दी है कि किस तरीके से वो मैच का आगाज़ करते हैं। शुरू से ही वो अपनी लीड इतनी ले जाते हैं ताकि आगे जाके उनके लिए मुश्किल ना हो उस अगर उन पे कोई स्कोर होता है उस लीड को कवर करना, तो ये अच्छी चीज़ होती है कि आप पहले मिनट से ही गेम में आ जाएँ और आप स्कोर करें। एंड इट्स अ स्कोर अगैन 3 स्कोर एसए गार्डन सी होप फॉर लाइट 0। जी हाँ, ऐसा गेम एसए गार्डन्स की सी टीम के हाथ में है। अगर वो इसी तरह लीड बरकरार रखते हैं तो वो ये मैच जीत सकते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है तो होप और लाइट के लिए अभी भी होप है। बाहर से ट्राई लेकिन नाकाम रहे। यहाँ पे होप फॉर लाइट में जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं यंगस्टर्स हैं, जबकि ऐसे गार्डन सी में काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर जो हैं वो खेल रहे हैं ये गेम, तो अच्छा एक्सपीरियंस है होप फॉर लाइट के प्लेयर्स के लिए कि वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ जो है एक मैच कर रहे हैं। इससे बहुत कुछ सीखेंगे और आगे जाकर उनको ये चीज़ें बड़ी हेल्प आउट करेंगी। और ये फाउल होता है ऐसे गार्डन की तरफ से। ऐसे गार्डन सी के 3 पॉइंट्स हैं और होप फॉर लाइट के 0 एंड अ स्कोर बास्केट बाय होप फॉर लाइट 1 पॉइंट। जी हाँ, ये पहली बास्केट की है होप फॉर लाइट ने, तो अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। गुड पास एंड अ हार्ड लक। बॉल ऐसे गार्डन्स की सी टीम के पास और दूसरी ट्राई में भी नहीं हो पाया, तीसरी ट्राई में हो गया फाइनली। फाइनली तीसरी ट्राई में जाके बास्केट मिली ऐसे गार्डन्स की सी टीम को।
इसी तरीके से चार पॉइंट्स एसए गार्डन सी के होते हैं और होप फॉर लाइट के वन. गुड पास, वेरी नाइस शॉट, बिल्कुल. फाइव पॉइंट्स एसए गार्डन सी एंड होप फॉर लाइट वन. वेरी गुड इंटरसेप्ट, गुड पास. ऐसे गार्डन सी की टीम जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जिस तरह पासेस दे रहे हैं, कोई सेल्फिश नहीं खेल रहा. एक और बास्केट, बिल्कुल. एज अ टीम जिस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं वो खूबसूरती के साथ नज़र आ रहा है और इसी वजह से उनकी अभी से फाइव पॉइंट्स की लीड है जबकि अभी हाफ टाइम भी नहीं हुआ. होप फॉर लाइट अपना एक प्लेयर सब्स्टिट्यूट करती है और ये बॉल फिर से ऐसे गार्डन के पास और बास्केट. अमेजिंग, बहुत ही आला परफॉर्मेंस है इस वक्त ऐसे गार्डन सी टीम की और इस वक्त काफी ज्यादा प्रेशर में आ चुकी है. गुड पास एंड अ गुड शॉट, एट पॉइंट्स ऐसे गार्डन सी एंड वन पॉइंट होप फॉर लाइट. मुश्किल हो गया होप फॉर लाइट के लिए अब थोड़ा इस लीड को कवर करना, बट अगेन डू नॉट लूज होप, कीप ऑन ट्राइंग. लास्ट मिनट तक भी यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि आप आखिरी कुछ सेकंड्स तक भी खेलते रहें. जी हाँ, इस वक्त ऐसे गार्डन्स की सी टीम में है रोमेस, तारिक, हसीब और वसी, जबकि होप फॉर लाइट में है अफाक, नहीमिया, जॉर्डन और जिशान. अच्छी ट्राई लेकिन बदकिस्मत रहे वहाँ पे और बास्केट नहीं कर पाए. अच्छा पास बाहर से करने की ट्राई लेकिन नहीं, नाकाम रहे यहाँ पे ऐसे गार्डन. लेकिन अब ऐसे गार्डन सी की टीम रिलैक्स्ड है क्योंकि उनकी सात पॉइंट्स की लीड है इस वक्त. लेकिन बात यही है कि अभी भी वक्त है और इतना अगर इजी ले लेते हैं दूसरी टीम को तो ये इजीली वो भी फिर स्कोर कर सकती है. तो जिस तरह जो टीम, दोनों टीम्स हैं, उन दोनों को लास्ट मिनट तक अपनी पूरी गेम करते रहनी चाहिए बजाय इसके कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होके मैच को उस तरीके में छोड़ दें. इस वक्त ऐसे गार्डन सी की टीम ने गेम काफ़ी स्लो कर दिया है ताकि उनके जीतने के चांसेस बढ़ सकें. बॉल फिर से ऐसे गार्डन सी के पास आती है और ये एक और अटेम्प्ट करते गुड ले अप and that was amazing layup by Haseeb. ball phir se aise garden c ke paas romis ke paas hai aur now he's wasting time and again he tried for two points but good rebound by Haseeb aur bahut hi achhi inhone shot ki hai aur ye phir se two points ke liye miss. गुड रीबाउंड एंड गुड शॉट बाय रोमेस. बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने बास्केट हासिल की. 11 पॉइंट्स ऐसे गार्डन सी और होप फॉर लाइट 1 पॉइंट. बहुत ही अच्छे रीबाउंड जो हैं ऐसे गार्डन सी की टीम ले रही है जिसकी वजह से उन लोगों ने इतनी जो है लीड कर ली है. एंड अगेन फॉर टू पॉइंट्स गुड शॉट बाय रोमेस. 14 पॉइंट्स ऐसे गार्डन सी और 2 पॉइंट्स होप फॉर लाइट. लेकिन अब ये मुकाबला वन साइड हो चुका है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लीड है इस वक्त ऐसे गार्डन सी टीम की और बहुत मुश्किल हो गया इस वक्त ये मैच होप फॉर लाइट के लिए. लगता नहीं कि होप फॉर लाइट के लिए अब कोई होप बची है. ऐसे गार्डन जिस तरीके से आपस में पासेस दे रहा है वो बहुत ही खूबसूरत हैं. इसलिए उनकी लीड देखें, अभी आप 13 पॉइंट्स की लीड हो चुकी है. ख़ुद कोई भी इस टाइम पे एक भी प्लेयर सेल्फिश नहीं हो रहा, अपने बारे में नहीं सोच रहा, टीम के लिए खेल रहा है और वो ये चीज़ नज़र आ रही है. अमेजिंग गेम बाय ऐसे गार्डन सी, होप फॉर लाइट और अच्छा कर सकते हैं इंशाल्लाह. आई गेस अगले किसी टूर्नामेंट में जब वो आते हैं खेलने, इस तरह के टूर्नामेंट इनके लिए अच्छा एक्सपीरियंस इन्हें दिलाते हैं और वो यहाँ से कुछ सीख के अगली बार इस तरह मिस्टेक्स नहीं कर रहे होते. गुड पास, अच्छी
कोशिश और बास्केट लेने में कामयाब, वेरी नाइस शॉट। एसए गार्डन्स बहुत ही आला कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है इस वक्त। वक्त बहुत ही कम रह गया है और अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि इतनी लीड को कवर कर सके, क्योंकि 13 पॉइंट्स की लीड है एसए गार्डन सी टीम की। जैसे कि मैं आपको स्टार्ट में ही बता रही थी कि यही टीम जो है वो प्रोमिनेंट हो रही है और उन्होंने उस चीज़ को साबित किया। ओवर कॉन्फिडेंट इनमें से कोई नज़र नहीं आ रहा, उसी तरीके से खेल रहे हैं जैसे कोई फाइनल मैच हो और वो अपनी गेम पूरी शो कर रहे हैं। वेरी नाइस शॉट, 18 पॉइंट्स। जी हाँ, 18 पॉइंट्स हैं, 15 पॉइंट की लीड से एसए गार्डन सी टीम जो है वो अपनी जीत की तरफ जाती नजर आ रही है। जो ये प्री क्वार्टर्स जीत जाएंगे वो क्वार्टर फाइनल्स खेलेंगे, उसके बाद सेमीफाइनल एंड फाइनल मैच। तो ये मैचेस इनके लिए जीतना बहुत जरूरी है। म्यूजिक शॉट बाय रोमेस अगेन। बीस पॉइंट्स हैं इस वक्त एसए गार्डन सी टीम के और 17 पॉइंट्स की लीड के साथ एसए गार्डन की जो टीम है वो जीती हुई नज़र आ रही है। सब बाकी जो टीम्स बैठी हुई हैं यहाँ पे ये मैच देख रही हैं तो उन पे भी काफ़ी प्रेशर बिल्डअप हो गया होगा ये मैच देखने के बाद। बिल्कुल, क्योंकि ऑफ कोर्स जो एसए गार्डन जीतती है तो इनका मैच जिस भी टीम के साथ आगे होगा तो उनको ये मैच देखने की ज़रूरत है ताकि वो इनके मूव्स और इनकी स्ट्रैटेजीज देखें, ताकि वो किस तरीके से अपने मैच की बारी इनको ब्लॉक कर सकें और बॉल किस तरीके से अपने कंट्रोल में ला सकें। कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं और ये मैच फिर अपने इख्तिताम को आएगा। अमेजिंग शॉट, लेकिन एसए गार्डन सी टीम अभी भी कर रही है और इसी के साथ ये मैच जीता है एसए गार्डन की सी टीम ने। 21 पॉइंट, 21 पॉइंट पर एसए गार्डन सी एंड 5 पॉइंट होप फॉर लाइट। विनर जो है वो हमारे एसए गार्डन सी की टीम। बहुत ही अच्छी गेम करके इन्होंने जीत हासिल की है और इसी तरीके से ये लोग क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करते हैं। जी हाँ, ये मैच जीता है एसए गार्डन्स की सी टीम ने, जिसमें थे रोमिस, तारिक, हसीब और सब्स्टिट्यूट प्लेयर थे वसी। और ये मैच आप लाइव देख रहे थे फास्ट स्पोर्ट्स पर, फिफ्थ जनरेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, DHA लाहौर।